Hi guys, welcome back. We are going to cover following topics in this lecture. First is a standard form of exponential function. Second is restrictions imposed on base of exponential function. ये इस lecture का core concept रहेगा, ठीक है? Next है sketching the graph of exponential function, domain and range of exponential function, properties of exponential function and general form of exponential function. इसमें हम इसका graph भी draw करेंगे, general form का. ओके, आइए start करते हैं. सबसे पहले हम standard form को define कर लेते हैं. यह है क्या? A function in the form of f of x is equal to b to the x is called standard form of exponential function. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b base है, x exponent है. ओके, b एक कांस्टेंट है और इस पे हमने रेस्ट्रिक्शंस डाला हुआ है, ये जो कि इस टॉपिक का मेन कांसेप्ट है, ठीक है? ओके, b क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. ओके, यदि ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है? कमिंग टू रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यहां पे देखिए b ग्रेटर देन 0 है, b इज नॉट इक्वल टू 1 है. ओके, यदि b इक्वल टू 1 हो जाएगा तब क्या होगा? ये हमारा फंक्शन हो जाएगा f of x is equal to 1 to the x, और आप जानते हैं कि x की कोई भी वैल्यू रखें आप यहां पे, ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 ही रहेगी ना. ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा. इसलिए यहां पे b is equal to 1 होगा ही नहीं, ठीक है? Now coming to 0 के बारे में जब बात करें तो b यदि 0 हो जाए तब क्या होगा? इस केस में भी यदि आप एक फंक्शन ले लें f of x और 0 to the x, इसमें क्या होगा? x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा? equal to 0 ही होगा. In this case also it will be constant function, right? Okay, next जो restrictions है वो क्या है? आपको b की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने यहां पे b की वैल्यू ले लिया नेगेटिव 2. ओके, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? f of x इज इक्वल टू नेगेटिव 2 टू द x पावर, राइट? और हम यदि f ऑफ नेगेटिव 4 निकालना चाहें तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव 2 टू द नेगेटिव 4th पावर. ओके, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर नेगेटिव 2 टू द 4th पावर, और ये हो जाएगा 1 ओवर 16, जो कि एक रियल नंबर है. ओके, नाउ यदि हम f ऑफ हाफ निकालना चाहें तब क्या होगा? ये हो जाएगा नेगेटिव 2 टू द हाफ पावर. ओके, क्योंकि हमारा फंक्शन है ये. ओके, फिर यदि आप इसको लिख लें रेडिकल फॉर्म में, आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 2, और आपको पता है कि इसको आप फर्दर लिख सकते थे क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स नेगेटिव 1. ओके, देखिए स्क्वायर रूट 2 आप लिख सकते हैं इसको, और आपको पता है कि नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट ये क्या होता है? आयोटा, राइट? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. चूंकि हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हम ऐसे भी बेस को रखना अवॉइड करेंगे, ठीक है? हम बिल्कुल रखेंगे ही नहीं, ठीक है, स्ट्रेट वे में. तो आपको रिस्ट्रिक्शंस क्लियर है. यदि आप b लेस देन 0 रख रहे हैं तो कभी रियल नंबर आएगा, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फंक्शन की वैल्यू, इसलिए हम इसको नहीं रखते हैं. b इज इक्वल टू, यदि आपने 1 रखा तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा. b इज इक्वल टू 0 रखा तब भी कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, राइट? आइए अब देखते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसे स्केच करेंगे. ओके, हम यहां पे लिख लेंगे f of x is equal to 2 to the x. मैंने एग्जांपल के तौर पे ये फंक्शन लिया है. यहां पे b greater than 0 है, ठीक है? ओके, यदि हम x की वैल्यू नेगेटिव 2 रखते हैं तो f of नेगेटिव 2 क्या आएगा? 0.25. ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है. फिर आप फर्दर x की नेगेटिव 1, 0, 1, 2 वैल्यू रखेंगे तो f ऑफ कोरिस्पोंडिंग x की वैल्यू
यहाँ पे इस टेबल में रिफ्लेक्ट किया गया है. ओके, यदि आप x कमा f ऑफ x ऑर्डर पेयर को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे नेगेटिव 2 कमा 0.25, नेगेटिव 1 कमा 0.50, 0 कमा 1, 1 कमा 2 एंड 2 कमा 4. ओके, यदि इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करेंगे तो देखिए किस तरह का ग्राफ आपको मिलने वाला है. आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको. अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जहां पे b इज ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है. ओके, एग्जांपल के लिए मैंने b की वैल्यू ले लिया हाफ. ओके, और यहां पे एक फंक्शन डिफाइन किया g ऑफ x इज इक्वल टू हाफ टू द x पावर. ओके, यहां पे भी सिमिलर वर्क ही करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे और उसके कोरिस्पोंडिंग g ऑफ x की डिफरेंट वैल्यू आएगी. इसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो ग्रीन कलर में जो पॉइंट्स हैं वैसे मिलेंगे आपको. ओके, यदि आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको ये ग्रीन लाइन का कर्व मिलेगा. ओके, आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज द फंक्शन विल ऑलवेज टेक द वैल्यू ऑफ 1 एट x इज इक्वल टू 0. ओके, आप देख रहे हैं दोनों फंक्शन का जो कर्व है x इक्वल टू 0 पे 1 से पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. ओके, एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल नेवर बी 0. ओके, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी कर्व है जितने भी पॉइंट्स हैं दैट इज y वैल्यू ऑलवेज x एक्सिस के अबव है, ठीक है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन कभी 0 नहीं होगा, लेट इट बी b इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी है f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. ओके, नाउ डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या है, देखिए जो कर्व है x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन इन्फिनिटी होगी, ठीक है. इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज बिटवीन ओपन इंटरवल 0 एंड इन्फिनिटी. ओके, डोमेन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते थे, ठीक है, इसलिए इसका डोमेन होगा ओपन इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी कमा इन्फिनिटी, राइट. कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज b इज ग्रेटर देन 1, बेस हमारा जब 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी, दैट इज ये येलो कर्व को आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है. x जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तब क्या होगा, f ऑफ x भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, राइट, दैट इज y वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी. ओके, एज x अप्रोचेज निगेटिव इन्फिनिटी, x जब निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो f ऑफ x कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, राइट. ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज जब बेस ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो तब क्या होगा, इसके लिए आप ये वाला कर्व रेफर कर सकते हैं. ओके, इसमें आप देख रहे हैं एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी, x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वाला कर्व 0 की तरफ अप्रोच करेगा. सिमिलरली यदि x नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा इस केस में, तब ये कर्व कहाँ अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है. नाउ कमिंग टू जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यदि आप इसमें एक कोफिशियंट डाल देते हैं दैट इज a, जो कि एक रियल नंबर है, तब इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. b के ऊपर सेम रेस्ट्रिक्शन अप्लाई रहेगा पहले जैसे ही. ओके, देखिए जब a ग्रेटर देन 0 हो, आप ठीक है a की एक वैल्यू रैंडम डाल दीजिए, दैट इज 2 डाल दिया हमने और बेस हमने 2 रखा, तब देखते हैं f ऑफ x का कर्व कैसा होता है. ये है हमारा बेस कर्व जो कि है f, ये है 2 टू द x का और ये है 2 टाइम्स 2 टू द x का कर्व,
ये वाला, ठीक है। डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ कर्व सेम ही है, पॉइंट्स डिफर कर रहे हैं, दैट इज जो भी पॉइंट्स आएंगे इसके वो टू टाइम्स हो जाएंगे। जब हमारा लीडिंग कोफिशियंट निगेटिव हो जाएगा, एक्स एक्सिस एक मिरर की तरह काम करेगा, जस्ट ये फ्लिप कर देगा कर्व को, ठीक है। सो बाय एंड ऑफ दिस वी हैव फिनिश्ड दिस लेक्चर। टू गेट मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू अदर पर्सन एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। If you enjoyed watching this lecture, please click on like button to motivate us. Thanks for watching, and I am looking forward to see you in the next lecture.